यार मैं तो क्या डर लग रहा है टूटने का आज जान पूछ के तोड़ने के शिट लेट्स फिक्स इट। हेलो एंड वेलकम टू न्यू लेसन। अब जैसा कि आपने देखा कि हम स्ट्रिंग तोड़ने में कितनी मेहनत कर रहे थे, अब उतनी ही मेहनत अब हम स्ट्रिंग लगाने में भी करने वाले हैं। एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास ये टूल जिसको हम स्ट्रिंग बाइंडर कहते हैं होगा स्ट्रिंग लगाने से पहले, तो आपकी जिंदगी थोड़ी लेस मिजरेबल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि सब लोगों की आदत होती है कि जब तक आग नहीं लगती कुएं नहीं खुदते हैं, तो हमने भी यही सोचा है कि हमारे पास भी स्ट्रिंग वाइंडर नहीं है, तो आज हम आपको बिना स्ट्रिंग वाइंडर का यूज किए हुए ही बताएंगे कि किस तरीके से स्ट्रिंग लगाई जाती है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि तब ही आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे, और सिखाने के लिए फ्रंट रो हमेशा रेडी है। दिस इज फ्रंट रो, माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो सबसे पहले आपको ब्रिज पिन निकाल कर पहले स्ट्रिंग को इस होल में इस तरीके से लगाना है, और ऊपर से ब्रिज पिन को हम सेट करेंगे। दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो जो हमारा नट होता है उसके ऊपर हम स्ट्रिंग को लगाएंगे, बट उससे पहले एक बार मेक श्योर कर लीजिए कि आपको क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। वैसे मेनली क्लॉकवाइज होता है। इस तरीके से नट पे जो एक पर्टिकुलर कट बना हुआ है हर स्ट्रिंग का, उसी नट उसी कट में से होते हुए हम स्ट्रिंग को पहले जैसे हम सुई में धागा पिरोते हैं उस तरीके से स्ट्रिंग के की में इस तरीके से बना लेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये पहला घुमाव। यहाँ पे हम एक ऑपोजिट कट लगाएंगे जिससे कि दूसरी तरफ से जो स्ट्रिंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी इंडेक्स फिंगर ने स्ट्रिंग को पुश कर रखा है, और अब मैं दूसरे हाथ की हेल्प लेकर इस तरीके से स्ट्रिंग को एक टेंशन में रखूँगा जिससे कि वो स्लिप ना होती जाए मेरे हाथ से। अब इस पॉइंट पर अगर हमारे पास स्ट्रिंग वाइंडर होता तो स्ट्रिंग वाइंडर की हेल्प से ये जो धीरे धीरे करके हम घुमा रहे हैं इसकी बजाय वो एक बार में बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी रोल होता है। तो जितना अटक के और जितना रुक रुक के हम इसको घुमाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो स्ट्रिंग है वो उतने स्मूथ तरीके से नहीं घूमती है जैसा कि बाकी स्ट्रिंग्स पे आप देख रहे हैं। लेकिन वी टोटली अंडरस्टैंड कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्ट्रिंग वाइंडर होगा या आप अलग से परचेज करें, तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि फिंगर्स के थ्रू ही हम आपको बताएं कि भाई बिना स्ट्रिंग वाइंडर के किस तरीके से करते हैं। अभी हमने वीडियो की जो स्पीड है वो 2x की हुई है, क्योंकि अगर वो पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएं नॉर्मल स्पीड में तो ऐसे ही भाग जाएंगे हम। तो इस तरीके से जब आप लगातार घुमाएंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूसरे हाथ की तीन फिंगर से मैंने स्ट्रिंग को पुश किया हुआ है, और फिर भी स्ट्रिंग जो है स्लाइड होके टाइट हुई है। और अब एक पर्टिकुलर टेंशन होने के बाद अब मैं अपनी उंगलियाँ हटा लेता हूँ, और इस तरीके से हम स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर अमाउंट तक खींचने के बाद अब हम ट्यूनर की हेल्प से ट्यून करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा, और आपने आज के बाद स्ट्रिंग लगाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उसको ठीक तरीके से देखा होगा तो दो तीन तरीके हैं जिसके थ्रू अगर आप सही वे में उसको टर्न करते हैं, कीज को यूज करते हैं, तो आप अच्छे से स्ट्रिंग लगा सकते हैं। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द फ्रंट रो ऐप जिसपे आपको सीखने के अनलिमिटेड मौके मिलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड प्रैक्टिस।